वहीं कांग्रेस ने हल्द्वानी विधानसभा सीट से सुमित हृदयेश को प्रत्याशी बनाया है। सुमित हृदयेश दिवंगत नेता इंदिरा हृदयेश के पुत्र हैं। उनका कहना है कि जनता इस बार भी कांग्रेस के साथ है। तो आपको बता दें, कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है जिसमें सुमित हृदयेश का नाम भी शामिल है। जो कार्य होने वो सबसे महत्वपूर्ण है। हल्द्वानी को इंदिरा हृदयेश जी जैसे विधायक की आदत है, इंदिरा हृदयेश जी जैसे सशक्त नेतृत्व की आदत है, वो सशक्त नेतृत्व, वो सोच, वही विकास का जो परिचय है उसको हमें आगे देना है, ये हमारा प्रण है। वही उत्तरकाशी में कांग्रेस में बगावत हो गई। कांग्रेस नेता संजय डोभाल अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। यमुनोत्री सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी हैं संजय डोभाल। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता संजय डोभाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तो टिकटों के बंटवारे के बाद जो नाराजगी है वो भी सामने आ रही है और कई बड़े नेता अकेले चुनाव लड़ने की दावेदारी ठोक रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी हैं संजय डोभाल, जो जिन्होंने ऐलान किया है कि वो अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उत्तरकाशी में कांग्रेस में बगावत हुई है। अभी तो सिर्फ 53 नाम सामने आए हैं, 17 और सीटें बड़ी सीटें हैं और इन सीटों पर जब नाम सामने आएंगे तो देखना होगा किस तरीके से कांग्रेस पार्टी सामंजस्य बिठाएगी। जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरकाशी पद से बर्खास्त दीपक बिलजवान को कांग्रेस ने यमुनोत्री विधानसभा से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इस बीच दीपक का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि गढ़वाल कमिश्नरी की तरफ से उन्हें क्लीन चिट दी गई है, इसी को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे और वोट मांगेंगे। दीपक का कहना है कि उनके खिलाफ साजिश रची गई थी। दीपक बिजलवान की सरकार ने राजनीतिक द्वेष से जांच कराई। मेरे पास सारे पत्र हैं, अब मैं सबको रूबरू जनता में लाऊंगा। इनके जिन लोगों ने मेरी जांच कराई उन्होंने लिख के दे रखा खुद कि हमने राजनीतिक द्वेष के चक्कर में जांच कराई। और खुद जब इन्होंने जांच कराई तो जांच में दीपक बिजलवान क्लीन चिट हुए। और जब दीपक बिजलवान को क्लीन चिट मिला तो वो अब नहीं मिला, वो जून के 21 जून को मुझे क्लीन चिट मिल गई थी। 21 जून 2021 को मुझे क्लीन चिट मिल गई थी कमिश्नर की जांच में। जब मुझे क्लीन चिट मिली, अगर मैं गलत था तो 21 जून 2021 को आई रिपोर्ट, अगर वो गलत थी तो जुलाई में क्या कर रही थी, तो अगस्त में क्या कर रही थी, मतलब आज तक क्या कर रही थी? ठीक आचार संहिता से एक दिन पहले और चुनाव के दौरान आपने ऐसा किया, क्योंकि मैं आपके साथ नहीं आया।